हेलो बच्चों जेई मेन्स 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये जई मेन्स 2024 में पूछा हुआ है ये अप्रैल में अप्रैल के सेशन का क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से तो 50 एम एल ऑफ़ केमेन्नो फोर सोलूशन इज यूज फॉर द टाइट्रेशन पचास एम एल केमेन्नो फोर को टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है ट्वेंटी एम एल ऑफ़ टू मोलर ऑक्जेलिक एसिड के साथ ठीक है इन एसिडिक मीडियम में सोलूशन इज इतना इन टेन टू पावर माइनस टू द वैल्यू ऑफ एक्स तो जब भी आपको टाइट्रेशन का क्वेश्चन मिलता है तो हमें टाइट्रेशन के क्वेश्चन में क्या करना होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट बैलेंस करना होता है क्या चीज को बैलेंस करना होता है तो हमें बैलेंस करना होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एम एन ओ फोर इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ठीक है अग, का क्या फार्मूला होता तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एक तो फार्मूला होता है नॉर्मल्टी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ठीक है दूसरा जो होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर तो ये अब एन फैक्टर क्या होता है तो जैसे के एम एन ओ फोर है ठीक है के एम एन ओ फोर एसिडिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट बनाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस के एम एन ओ फोर एसिडिक मीडियम में क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है तो के एम एन ओ फोर एसिडिक मीडियम में प्लस टू में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है प्लस सेवन से प्लस टू में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्जीलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है तो ऑक्जेलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है एस टू सी टू ओ फोर होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है सी ओ टू में ठीक है तो इसका जो एन फैक्टर आता है इसका एन फैक्टर आता है दो और इसका जो एन फैक्टर रहा है वो एक्स का एन फैक्टर आ रहा है पाँच ठीक है अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका कर लो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फिफ्टी एम एल है इंटू एक्स इंटू टेन टू दावर माइनस टू ये मोल्टी होगी ये वॉलूम हो गया मोल्टी इंटू वॉलूम और इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है पाँच बराबर इसको वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड कर दिए ठीक है बराबर हो गया ये एम को ठीक है लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये उसके बाद बराबर हो गया ट्वेंटी या पान में थाउजेंड इंटू टू इंटू इसका एन फैक्टर कितना आया हुआ है टू आया हुआ तो ये थाउजेंड से थाउजेंड कैंसिल हो गया ठीक है इसके बाद आप इस क्वेश्चन को ये इससे इससे कैंसिल कर सकते हो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा x इक्ल टू आ जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू अपान में ट्वेंटी फाइव और इंटू हंड्रेड ये टेन टू दावर माइनस टू है तो ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा तो ये हो जाएगा पच्चीस चौक का सौ ट्वेंटी फोर अब देखो तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू फोर तो कितना आ जाएगा दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ चौक के बत्तीस तो यक्स की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई थर्टी टू आ गई एक्स की वैल्यू क्या आ गई थर्टी टू तो जब भी आपको टाइट्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो केमिनोफोर दिया हुआ है या फिर पोटेशियम क्रोमेट दिया हुआ है वो किस में कन्वर्ट होता है के एम एन ए फोर एसिडिक मीडियम में जो होता है वो एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है और ऑक्जीलिक एसिड जो होता है वो सी ओ टू में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है एन फैक्टर कैसे निकालते हैं तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम इससे रिलेटेड वीडियो भी बना देंगे आप उसको देखिएगा कि किसी कंपाउंड का एन फैक्टर हम कैसे किसी रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ठीक है होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा थैंक यू